नमस्कार दोस्तों, करेटा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेटा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग का स्कोप और सैलरी प्लेसमेंट, ये सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 2020 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्कोप कितना है। देखो, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा वहां पे भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थी, तो एग्रीकल्चर को हम लोग बड़ा सीरियस नहीं लेते थे। हम लोगों को लगता था नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग बहुत चढ़ाते भी थे कि खेतिहर इंजीनियर है, ये है, फलाना ढिकाना करके वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे मेन पॉइंट पे मैं आता हूं आप लोगों के साथ कि जब हम पास आउट हुए, जब हम लास्ट ईयर में थे, तो सबसे पहले जो प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ ना, वो एग्रीकल्चर वालों का स्टार्ट हुआ। चाहे ऑफ कैंपस हुआ, चाहे ऑन कैंपस हुआ, सबसे पहले जॉब एग्रीकल्चर वालों ने लिया हमारे यहाँ पे। तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्टेड है ना, तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है। और आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्कोप इतना बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हो ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री से लेके गवर्नमेंट इंडस्ट्री, फॉरेन तक में स्कोप है, जिसमें आप बहुत अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। लोगों के बहकावे मत आए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी अपने में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, वो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने जरूर आए। क्योंकि देखो, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कराती हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद आप जो एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट सेक्टर की संस्थाएं हैं, कृषि विभाग है, वहां पे भी आप जॉब पा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है, जो ट्रैक्टर वाली कंपनी है, महिंद्रा है, और सारी जो कंपनीज हैं उसमें भी आप अच्छी तरह से जॉब पा सकते हो। जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, खेती किसानी करने की कंपनी होती है, उसमें भी आप पा सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इस पे काम करती है। आपको लगता है कि ट्रैक्टर, गेहूं धान काटने वाली मशीन, गेहूं पीसने वाली मशीन, नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी, यहां हर जगह एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की जॉब होती है। तो हम लोग बस माइंडसेट में होता कि नहीं यार, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके कुछ कर नहीं सकता, बेकार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लिया तो हम ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री में तो पैसा है ही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी भर भर के पैसा है। बस आपको अपने विजन क्लियर होने चाहिए कि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो मेरा बेसिक क्लियर है, चीजें क्लियर हैं कि कैसे एग्रीकल्चर में काम करती हूँ। इनफैक्ट खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो कि मशरूम की खेती करके करोड़ों कमा रहा है, और सारी चीज खेती करके करोड़ों कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं जो अपनी खुद की खेती करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कोई भी चीज अगर आप दिल से मन से करोगे तो जरूर उसमें सफल होगे। उसमें एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है जिसको आपको सीरियस लेना चाहिए। अवेयरनेस थोड़ी कम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद के लिए अदर ब्रांचों से। लोग जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इन्हीं सबके पीछे भागते हैं। एग्रीकल्चर के पीछे लोग उतना नहीं भागते हैं। बहुत कम कॉलेज भी हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी उतने लेवल का नहीं है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगर आप अभी एग्रीकल्चर में आ जाओगे तो स्कोप अच्छा है और फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।